स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो हमारे रिमेनिंग मॉडल्स रह गए थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे स्पीक का टॉपिक भी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हमारे स्पीक का एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव रिफायरमेंट को विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखेंगे। इसके बाद हम एक्टिव रिफायरमेंट को विद रिस्पेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस देखेंगे। प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम देखेंगे वो क्या है। इसके बाद हम रैड मॉडल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइट्रेटिव रिफाइनमेंट, आइट्रेटिव क्या होता है। आइट्रेटिव का मतलब क्या होता है, रेपिटेटिव, किसी एक काम को बार बार करना। ठीक है, हम एक इसकी एग्जांपल से एग्जांपल लेते हैं। कोई एक, ठीक है, कोई एक कस्टमर आता है मेरे पास के, वो ये कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, और उसमें मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं क्या करूंगी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको एक सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगी। कस्टमर क्या करेगा, उसको यूज करेगा। आफ्टर 10 डेज उसको रियलाइज होगा कि मेरी तो रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें ये फीचर्स ऐड होना चाहिए था या इसको ऐसे वर्क करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, उसी टेम्पलेट को उठाऊंगी, ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर को पकड़ूंगी, उसमें अपग्रेडेशन करके, ठीक है, उसमें चेंजेस करके जो उसकी न्यू रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उसको बना के अगेन डिलीवर कर दूंगी। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर 10 और 20 डेज उसको फिर रियलाइज होगा कि नहीं, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, ठीक है, तो इसमें मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। तो वो अगेन क्या करेगा कि नहीं, मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें ये फीचर्स हो, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो मैं क्या करूंगी, अगेन उसी टेम्पलेट को पकड़ूंगी, उसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको रिफाइन करूंगी और उसको डिलीवर कर दूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल का बनाया था, उसके बाद मैंने उसी को रिपीट कर करके, ठीक है, उसको एक बड़े लेवल का मैंने बना दिया। इसके बाद अगर हम एग्जाम देखें कि ये जो फेसबुक थी 2004 में अगर हम देखें तो ये इतनी सिक्योर नहीं थी, लोग उसको इतना यूज भी नहीं करते थे। लेकिन अगर हम उसके कंपेरिजन करें 2018 से या 2020 से तो वो हाईली सिक्योर है। अब जो लोग हैं उसको ज्यादा यूज करते हैं, अगर हम पहले से कंपेयर करें तो उससे बहुत ही ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें आइटरेटिव रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है, बार बार करके उसको हम रिफाइन करके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है, वेब फॉर मीन्स यूजर इंटरफेस मॉकअप, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि अभी डिजाइन नहीं किया, अभी जिसके लिए प्रॉमिस तो किया है, मीन्स जो अभी डिजाइन हो रहा है, ठीक है, जो अंडरस्टेटमेंट है, अभी जिस ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा हार्डवेयर जिसके लिए आपने प्रॉमिस कर दिया लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं आया। इसके बाद क्या, थ्रू अवे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। थ्रू अवे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि हम एक आपको, ठीक है, कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो डेवलपर क्या करेगा, उसका एक मॉड्यूल, उसका एक प्रोटोटाइप बना के आपने कस्टमर को दे देगा, ठीक है। अगर कस्टमर को वो पसंद आएगा, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, अदरवाइज उसको थ्रो अवे कर देगा। इसके बाद क्या है, डमी मॉड्यूल्स, मीन्स हम एक जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनल वर्जन में कन्वर्ट करने की बजाय हम क्या करते हैं, पहले उसका एक रफ सा वर्जन बना देते हैं, ठीक है, एक डमी मॉडल बना देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अब अगर हम जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या आपको टैबलेट लेने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, आप जो भी वर्जन आप मांगते हैं उसका जो है वो डिस्प्ले पे कुछ डमी मॉड्यूल्स के तौर पर कुछ जो आर्टिकल है वो लगे होते हैं। अब वो क्या, आप वो किस पर्पज के लिए होते हैं, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसमें ये फंक्शन है, ये इसकी प्रोसेस ऐसे होता है, इसका फ्लो ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर वो आपको पसंद नहीं आता तो क्या वो फेंक देते हैं उस डमी मॉड्यूल को, नहीं, वो फेंकते नहीं है, बल्कि उसको चेंज करके आपको कोई और चीज दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि ये जो आप अपना आपका कोई सॉफ्टवेयर है आपको पसंद नहीं आया, आप उसको थ्रो बैक करेंगे, ठीक है, थ्रो अवे करेंगे आप उसको, तो क्या होगा, डेवलपर उसी को रिफाइन करेगा। इसके बाद क्या, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मीन्स यूजर ने जो टाइम पीरियड आपको बता दिया आपने उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको डेवलप करके देना, इट मीन्स। और इसके बाद क्या, सक्सेसिव रिफाइनमेंट क्या होती है कि आपने जैसे जैसे यूजर की डिमांड थी आपने वैसे वैसे उसको रिफाइन किया। अब अगर हम आइट्रेटिव रिफाइनमेंट की बात करें तो ये प्रीवियस जो स्टेप थे ये बेसिकली हमारे आइट्रेटिव रिफाइनमेंट के थे, प्रोटोटाइपिंग मॉडल और रैड मॉडल, ठीक है। इन तीनों में हम ये सारे स्टेप्स देखेंगे, ये सारे जो फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आइट्रेटिव रिफाइनमेंट की बात करते हैं। आइट्रेटिव रिफाइनमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका कस्टमर है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, ठीक है, आप उसको डिजाइन करते हैं, मीन्स आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, डमी मॉड्यूल बनाते हैं। डमी मॉड्यूल बनाने के बाद क्या करते हैं, आप उसको एवलुएट करते हैं, मींस आप उसको कस्टमर को देते हैं, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, ठीक है, उसको एवलुएट कर उसको चेक करता है कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा, अदरवाइज वो बताएगा कि मुझे यहाँ पर ये चेंजेस करो, ये चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो अगेन क्या होगा कि अगर उसने अपनी चेंजेस बताए हैं, अगेन आप उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसको प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उसको एवलुएट करेंगे,
अगर हम इसकी एक्टिविटीज देखें तो सबसे आइट्रेटिव रिफाइनमेंट, ठीक है, आइट्रेटिव रिफाइनमेंट को आप एक जो रिफाइनमेंट वाटरफॉल मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल भी कह सकते हैं। प्रीवियसली हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल डिस्कस किया था, अब उसमें क्या था कि जितनी भी आपके पास स्टेजेस थी, ठीक है, उनमें फीडबैक नहीं था, ठीक है। अब फीडबैक का मतलब क्या था वहां पर, मीन्स वहां पर पैरेललिज्म नहीं थी। अब यहां पर क्या था और लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हमारी जो वहां पर प्रॉब्लम थी हमने उसको रिफाइन कर दिया, ठीक है, हमने उसको ओवरकम कर दिया। ये जो आपका इटरेटिव रिफाइनमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका उसकी तरह काम करता है, वाटरफॉल मॉडल की तरह काम करता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि वहां पर आप फीडबैक नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं दे सकते। मींस अगर आपने, ठीक है, कोई एक डिजाइन बनाया है या कोई रिक्वायरमेंट्स आपकी गैदर हुई हैं डिजाइन फेज पर, आपको ये आपने ये फील किया है कि नहीं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन उस स्टेज को फीडबैक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई, इसके बाद डिजाइन में क्या किया गया, उसको फीडबैक दिया गया कि नहीं यहाँ पर ये चेंजेस करें। इनिशियल वर्जन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं, ठीक है, और डिजाइन की इनमें जो इंटरमीडिएट वर्जन होता है उसमें आपका डिजाइन आ जाता है। फाइनल वर्जन में क्या होता है कि जो आपने डिजाइन बनाया था उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं अगर वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो कंक्रेंट एक्टिविटीज में क्या है, मीन्स आपके यहाँ पर पैरेललिज्म है, मीन्स एट अ टाइम क्या है, रिक्वायरमेंट्स के बाद आप डिजाइन, ऐसा नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। आपको यूजर की थोड़ी सी भी रिक्वायरमेंट्स पता चली आप उसके अकॉर्डिंग उसको डमी मॉड्यूल बना देंगे। इसके बाद अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस चेक करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपने आउटलाइन डिस्क्रिप्शन करनी होती है वो आपने रिक्वायरमेंट स्टेज पे करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स फेज पे करनी होती है। उसके बाद वही आपका डिजाइन आता है, फिर इसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन आता है। मीन्स जब यूजर ने ये जो आपके पास मॉडल था ये कब था, जब यूजर ने अभी फाइनल नहीं किया, ठीक है, जैसे ही आपका यूजर जो है वो अपनी आपका जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो फाइनल करता है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको डिजाइन करते हैं और सिर्फ उसमें एक ही वर्जन आता है, फाइनल वर्जन होता है, जो कि क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। मीन्स यहां पर उसकी जो आउटलाइन थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी इस फेज में बता दी गई हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फेज में बता दी गई हैं। उसके बाद आपने इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेप में आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो आपका फाइनल होगा। तो इफेक्टिव रिफाइनमेंट जो होता है ये कब सूटेबल होता है, जब कस्टमर जो होता है उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अबाउट पता नहीं होता। अब इसमें भी क्या होता है कि आपका कस्टमर जो होता है, ठीक है, वो आपका रिक्वायरमेंट स्टेज पे भी पर नहीं, बल्कि इससे पहले जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है उसका जो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज में होता है, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आता है, ठीक है। जो आपका कस्टमर है वो इसके जो प्रोसेसिंग के दौरान उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो कब कांटेक्ट करेगा, या फिजिबिलिटी स्टडी में अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, या फिर जब उसको डमी मॉड्यूल देंगे, डमी मॉड्यूल के बाद वो कब आपके साथ, कब आपका अपने प्रोसेस या प्रोजेक्ट के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लास्ट स्टेज पर, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कि जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो रिस्क होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके जितने भी की कंपोनेंट्स हैं उसको आप प्रोटोटाइप करें, ठीक है, उसका एक डमी मॉडल बनाएं, जितने भी आपके फेज हैं उसको आप डिवाइड करें, उसके बाद ये जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, ठीक है, उसको फॉलो करें, उसके बाद जो आपके रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज करें, ठीक है, अगेन आप उनको यूज करें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है, ये भी आपका, अगर आपको इसको कंपेयर करें आइटरेटिव रिफाइनमेंट में तो ये भी उसी के साथ जो है इस उसी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि वहां पर आपका जो है जो आपका कस्टमर है वो पहली स्टेज पर उसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसके बाद लास्ट स्टेज पर करता है, लेकिन प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है वो हर फेज पर उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक प्रोटोटाइप बना के देते हैं कस्टमर को, ठीक है, अगर वो कस्टमर को पसंद आता है तो ठीक है, अगर उसको पसंद नहीं आता तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में क्या होता है कि बार बार आप ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर उसमें एरर आता है मीन्स उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं होती तो आप क्या करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगेन उसको रिफाइन करते हैं। तो इसके अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, कस्टमर को चेक करते हैं, अगर कस्टमर को पसंद आता है तो ठीक, अदरवाइज आप उसको रिफाइन कर लेते हैं, रिफाइन करने के बाद आपका फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है आप वो इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रैड मॉडल। रैड मॉडल क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है
जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि रैपिड मीन्स इंस्टेंटली आपने कोई एक मॉडल बना के देना है जो यूजर ने आपको टाइम पीरियड बता दिया है, ठीक है। अगर यूजर ने आपको 90 डेज बता दिए तो आपने वो जो मॉडल है उसको 90 डेज आपने डेवलप करके देना है, ठीक है। अगर हम दूसरे मॉडल्स की बात करें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, हमने प्रोटोटाइपिंग डिस्कस किया, हमने इटरेटिव रिफाइनमेंट को डिस्कस किया, तो उसमें क्या होता है कि अगर यूजर को 23-24 डेज दिए जाते हैं तो उसमें वो क्या करता है कि जो 6 और 7 डेज होते हैं वो रिक्वायरमेंट गैजिंग पे लगा देता है। लेकिन वैल मॉडल में क्या होता है, चूंकि हमें लिमिटेड टाइम दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी होती है वो हमने इंस्टेंट बेस पे कर लेनी होती है, ठीक है। हमने फौरन से उसको और एज ए कम्प्लीट स्टेप जो हमने उसको सेलेक्ट कर लेना होता है, उसको गैदर कर लेना होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको एक एक चीज है उसके जो एक एक कंपोनेंट्स उसको हम डिटेल में देखें, ठीक है। वैल मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग आती है, फिर डेटा मॉडलिंग आती है, फिर प्रोसेस मॉडलिंग आती है, एप्लीकेशन जनरेशन और इसके बाद टेस्टिंग एंड टर्नओवर है। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस मॉडलिंग में क्या होता है कि ये जो आपका, ठीक है, आपका जो बिजनेस है मींस आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, कौन इसको जनरेट करेगा और कहाँ पर वो आपकी इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा मॉडलिंग, ठीक है, जो आपने इन्फॉर्मेशन जनरेट की उसमें से आपने की पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, उसमें से आपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस मॉडलिंग, आपने क्या किया, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने अपने जो की फैक्टर्स है वो आपने देख लिए, इसके बाद आपने देखना है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होंगे, ठीक है, एडिंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग और रिट्रीविंग डेटा ऑब्जेक्ट, इन सब के लिए आपने प्रोसेस क्या क्या लगाने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन जनरेशन, एप्लीकेशन जनरेशन में क्या है कि आपने एप्लीकेशन जिनको जनरेट करना है, सॉफ्टवेयर को आपने बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए कोई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करेंगे बल्कि आप ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे टूल यूज करेंगे जो कि ऑटोमेटेड होंगे, ठीक है, जो कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेस्टिंग एंड टर्नओवर, चूंकि इसमें हम वो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, जो रीयूजेबल होते हैं, तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी टेस्ट हुए होते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स के लिए आपको टेस्टिंग के लिए भी बहुत कम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आपने जरूरी नहीं है कि आपने सारे कंपोनेंट्स जो है वो एग्जिस्टिंग ही यूज किए हैं, कुछ आपने अपने मॉडल में न्यू सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, जो आपके न्यू कंपोनेंट्स होते हैं आपने वो भी यूज किए होते हैं, तो जो आपने ये न्यू कंपोनेंट्स यूज करने हैं आपने उसको सही से टेस्टिंग करनी है, मीन्स उनकी आपने कंप्लीट टेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रैड के साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर हम इसका एक बेनिफिट देखें तो इसमें एक बेनिफिट क्या है कि जो हमारा कस्टमर है वो हर स्टेज पे इसके साथ लिंक रहता है, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या है कि ये जो हमारा रेड मॉडल है ये भी हमारा जो है ये जो आपके स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट है, लेकिन अगर हम लार्ज सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसके लिए क्या होगा कि हमें जो रिसोर्सेज, चूंकि हमें ये इंस्टेंट बेसिस पर हमने बनाना है तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमने टीम्स क्रिएट करनी है। वहां पर रेड मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक ही जो स्टेज है उसमें मल्टीपल टीम्स जो है वो काम कर सकती हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस जितने भी मॉडल्स देखे हमने उसमें ये देखा कि एक जो स्टेज है उस पर सिर्फ एक ही टीम काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेड मॉडल में क्या होता है कि आपकी एक फेज में मल्टीपल टीम्स काम कर सकती हैं, तो आपको फिर रिसोर्सेज के साथ साथ मल्टीपल टीम्स भी चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपको उसने एक स्पेसिफिक टाइम बताया होता है, आपने उसी टाइम के अंदर उसको फुलफिल करना होता है, और ये हर प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो रेड मॉडल है वो सूटेबल नहीं होता। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इटरेटिव रिफाइनमेंट देखा, उसके बाद हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा, उसके बाद हमने रेड मॉडल देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।